सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेल जाएंगे क्रैनी चैप्टर 2। पिछले वाले एपिसोड में हमने हेलीकॉप्टर एस्केप करके आराम से इजी कर दिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मेरे को, उससे बहुत जान के कुछ हुई था। हम आज दोबारा करेंगे बोट एस्केप, तो लेट्स गो सकते हैं सीधा गेम के अंदर। चलो आज ही नहीं करेंगे, आराम आराम से एस्केप करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्रैनी में हम प्रो हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं सीधा गेम के अंदर। लोडिंग फिल हो रही है। डेवन चालू होता हुआ और सीधे चलेंगे ग्रैंड पाना टपक जाए, और सामने सामने घूमता रहता मुर्गो की तरह। नए टपके तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देख लेंगे। ग्रैंड पर लोड कसिन बैठते ऊपर जाके, तो सबसे पहले गेट खोलते हैं। गेट खोलते चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा झाँकते हैं वाँकते हैं। कसिन चल रहा है, ऊपर चलते हैं। हाँ कुछ भाई किस्मत हो तो ऐसी हो ना हो, आती हमें बोट की मिल चुकी है जो बहुत बढ़िया बात है। आती बोट की मिल गई और अच्छी है। सबसे पहले इसको खोल देते हैं, यहाँ पे शॉटगन मिलेगी, कोई है तो नहीं। शॉटगन वाली जगह खोल दी मैंने, ग्रैनी ने टपकते वरना दिक्कत कर देगी ग्रैनी। और ये छुपने की जगह होती है, मेरे को पहली बार पता चला ये छुपने की जगह होती है, एक अच्छी सी मेरे को पहली बार पता चला था जगह का। निवेश गण पाएगा तो यहीं छुप जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ना आए। हाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पड़ा, उसको बंद कर देते हैं ना, कोई भी आ सकता है। खुल ले मेरे को देख लेगा। वेंच मिल गया, वेंच। इस वेंच का कोई ज़्यादा काम नहीं है, उठा लेते हैं वेंच सब भी। नहीं चलते कोई काम होगा तो देख लेंगे। अच्छा वो नाली बंद करने का काम आता है, बुढ़ा राजा जी वहाँ खड़े हुए हैं, नाली की जरूरत नहीं है। ऊपर को चलेंगे, ऊपर को बस ग्रैनी ना हो, अगर ग्रैनी हुई तो मेरा सीन खत्म कर देगी। ओहो हैंड व्हील है ये तो, कोई नहीं हैंड व्हील की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। डोर एस्केप अगली बार में काम आएगा, डोर एस्केप में। हाँ क्या है यहाँ पे, सारे गरीब है भाई, है कुछ भी नहीं रखते अपने सामान में, नहीं कुछ रख ले तो बंदों का एस्केप करने में काम आ जाए, कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। हाँ चलते हैं, यहाँ क्या है, क्रोबार पड़ा होता है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका दरवाज़ा खोलते हैं, खुल गया। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ गिरा तो वो गिरा, कोई नहीं। स्टनगन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, स्टनगन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वाह स्टनगन नहीं मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टनगन मिलती है ना, उसको फेंक देते नीचे। कुछ था वहाँ पे, अच्छा गैसोलीन कैन पड़ा हुआ है, मैंने सोचा क्या पड़ा हुआ है लाल लाल सा, गैसोलीन कैन पड़ा हुआ था, कोई नहीं काम आएगा बाद में। सही वाला गेट खोल देते हैं रैनी का, उसको फेंक देते नीचे। अरे ग्रैनी आ जाएगी भाई, ज्वाइन नहीं ना भाई साहब, अरे तो अरे रुक, मैं उठता उठ गया, फेंक गया शायद, आ गया कोई जी। चलो अभी यहाँ क्या है, यहाँ तो क्रोबार से खुलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खरीदा स्टन गन उठाते हैं और ग्रैनी को सुनाते हैं, वहाँ की शायरी बनाई गई मैंने, स्टन गन उठाते हैं ग्रैनी को सुनाते हैं। यहाँ इसको हटाते हैं, ये हट जा अट जा, बीच में घुस जाऊँगा उसके जगह बंद रखी। यहाँ क्या है, कटिंग क्लायर्स पड़ी हुई हैं, कटिंग क्लायर्स का भी, कटिंग क्लायर्स काम नहीं, ऊपर वाले दरवाजा दो भूत एक जेल के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर भूत बसा रखे होते हैं, उसके काम आएगा बाद में देखेंगे। उसका अलग सीन, पहले ग्रैंडपा को मारते हैं, ग्रैंडपा दिख जाते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी कहते हैं, गाने बजाते हैं, डीजे ग्रैंडपा इन द हाउस एंड ग्रैनी ऑल्सो। कोई है क्या, कोई तो होगा, हाँ क्या, कुछ भी नहीं। ग्रैनी जी भगो, मार दिया ग्रैनी को, ग्रैंड पा आ गए थे ना, उन्हें बंद इसलिए भगा था, कोई ग्रैंड पा आ गया ना वहाँ से। हम घूम के आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ना आए, हम घूम के आएंगे, तुम क्या कर लोगे मेरा। ग्रैंड पा को भी टपनाते हैं, ग्रैंडपा जी हाँ आप पिछवाड़े में मारूंगा, बस मूतरे जाएगा सारे मूतेगा, उधर अंतर को मत पाऊँ बस। चल बस ये करो भाई, कहाँ गए वो स्टाइल में। सबसे पहले यहाँ से सिक्योरिटी के लिए देते हैं, सीधा ऊपर जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ऊपर चलो चलो। रैनी ग्रैंड पा नहीं होते भाई, कितना खाली सा अच्छा अच्छा सा लगता है, कोई है ही नहीं। सिक्योरिटी खोल दी, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, तो दबा देते हैं बटन, जरूरत नहीं है इसकी, स्टन गन लेके आते हैं।
हाँ क्या है, डोर नॉक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है रे मामा। स्टनगन कहाँ गई? हाँ स्टनगन अभी। अच्छा वो रही, बाथरूम में पड़ी है ना, पूरा घूम के जाना पड़ेगा स्टनगन के लिए। किस्मत सोचो ऐसी बंदा ना हो। स्टनगन मेरा ब्रेंच, और स्टनगन उठाते हैं वहाँ से, ब्रेंच को पहले उठा के बाथरूम में उसका टंकी बंद कर देते हैं, और फिर उसको कीड़ों को मारते हैं, कीड़ों को मार देते हैं। सबसे पहले इसको बंद करते हैं, टंकी बंद हो जा, आ जाए आ जा, आ गई, बंद हो गया टंकी इनकी। अब टंकी बंद होने के फायदा हम उसके बाद जाते हैं सीधा वो बंद करने के लिए, मच्छर जैसे को उसको मार देंगे। कोई ग्रहणी ग्रहण पर है नहीं, कोई कहेगा ही नहीं कुछ। हाँ भाई मच्छर, हाँ भाई मच्छर, आ जा आ जा आ जा, खत्म कर देरी मिछासी है तेरे को। उधर तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक उठेगा नहीं। क्रोबार, उसको यहाँ पे एक क्रोबार उठाते हैं, काम आएगा डब्बे खोलने में। उसमें क्या होता है, ग्रेनेड। अच्छा ग्रेनेड है, समझो कोई नहीं, उसको यहाँ फेंकते हैं, उसको उठाते हैं, चलते हैं, चलते हैं बाहर की साइड, देख ऊपर ऊपर ही चलते हैं, देखते हुए आधा आधा अधूरा काम नहीं है कुछ भी। ऊपर ही भागते हैं सीधा ऊपर वाले कमरे में, और देखते हैं क्या करना है। चलो जी चलो, चलो जी चलो, चलो जी चलो, सीढ़ी पकड़ी, लेट्स गो। ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए हम, और ऊपर वाले कमरे में क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, गरीब गरीब है वही है, गरीब और फला दे, कुछ भी नहीं है। हेलीकॉप्टर मैन बननी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली सा पड़ा हुआ है। नीचे आते हैं, अब वहाँ से स्टन गन लेके हम लेके आते हैं, आ रहा है जा आ जा। मैं आई नहीं थी भाई, एम ही नहीं लग रहा मेरा उसको उठाने के लिए, बाहर जाके उठानी पड़ेगी भाई, ऊपर जाके उठा लेता हूँ। तना फोन करे, अरे कौन है तो लगा रखी नीचे अजीब बंदा, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी वो। सही है, कोई नहीं है, चलते आगे शायद। फाइनली उसकी पॉप अप बंद हुई, ये उठाते हैं, कटिंग पैर को लेते हैं, कटिंग पैर से ऊपर वाला काटते हैं। ओ इकने नहीं, भागो 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 जी भागो, ओ जल्दी से भागो। सही टाइम पे भाई मैंने कट ले लिया, वरना तो मैं मरता आज। ट्रैप बिछा रहा है, ट्रैप के साइड से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रैनी का ट्रैप एकदम फुस्सी होता है, 2 सेकंड में खुल जाएगा, उसे नज़र में आएगी भी नहीं, फुस्सी ट्रैप। चलते हैं, उसको काट, इसके काट देते, देखते क्या निकलते हैं ऐसे। कट गया, कट गया, एक और कट गया, क्या निकले हैं ऐसे? हेलीकॉप्टर की। अब इसका है भाई, क्या करूँ, जरूरत नहीं है इसके भी। नीचे कोई चलते हैं, कोई है तो नहीं, नहीं है, बढ़िया। आए को चलते हैं, यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, और उतर जा आ जा, ले मान ले मान, पट से हेडशॉट बिछा डाला भाई बुड्ढे ने, एक मारा पट से हेडशॉट, बच गया मैं तो। कोई नहीं, डे टू की तरफ चलते हैं, डे टू में देखते हैं क्या होता है, कुछ तो अच्छा ही होता है, मजा ही आ जाए। कोई नहीं, डे टू की तरफ चलते हैं, कोई मारे ना फालतू में, अगर किसी ने मारे तो हम भी उड़ाएंगे। शॉट गन, एक बार शॉट गन मिल जाए भाई, ख़त्म कर दूंगा दोनों को, इतनी आसानी से शॉट गन मिलती कहाँ है। कोई नहीं, शॉट गन मिले ना मिले, हमको तो अपना काम करना है, ढूंढने का। भाई क्या बंदा है, जैसे ही घुसा वैसे ही दिख गया, और अब मेरे पीछे पड़ा रहेगा, तंग जाऊंगा नहीं। बदो क्रोवर उठाते हैं, तो कहाँ आएगा नहीं, हाँ ना जाए। ग्रैनी आ गई वहाँ से, देखा नहीं मेरे को, अंधेरा कर दिया। कोई नहीं, हमारा फायदा, हम सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं, और क्रोबार का डब्बा खोलते हैं, देखते क्या निकलता है क्रोबार के डब्बे में से। तो क्या है, पैडलॉक की, और नीचे काम आएगी पैडलॉक की, इसको बांध उठाएंगे तो उसको फेंक देते हैं, उसको उठा के सीधा नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर गेट नहीं खुला तो फिर बोट एस्केप भी नहीं हो पाएगा। उसको फेंकते हैं और नीचे चलते हैं, मतलब फेंक तो दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ना आ जाए ग्रैंडपा।
नहीं आया, शुक्र है। ग्रैनी तो क्यों टपक गई आके मुंह के सामने, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। विनी चलते नीचे, वेडलॉक की सर्स वाला गेट खोल देते हैं, अगर नहीं खोला तो दिक्कत हो जाएगी, वरना बूट एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। कोई नहीं, सर चलते हैं नीचे की साइड, लेट्स गो। ढक्कन खोला, ये खोला, आवाज आई, खोला फिर आवाज आई। अब ग्रैनी भगती हुई नीचे आएगी सीधा रॉकेट के स्पीड में। इतनी देर में हम जाते, आ भी गई वो। कोई नहीं, हम पीछे से निकल जाएंगे। डीवी वालों ने इसलिए बना रखा है ताकि ग्रैनी है थको पीछे से। कोई नहीं, यहाँ चलते हैं। कुछ था क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है, खाली है। हेलीकॉप्टर शायद कुछ था, हेलीकॉप्टर मैंने उधर से छोड़ हमें क्या, मतलब वोट स्किप करना है, वेपन के मिलने तो मजी आ जाए। हाँ कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। ग्रैंडपा सामने से आ रहा है और मैं मरा, इसके नीचे छुप जाता, मत जाऊँगा। हाँ जान हूँ, बैग बैठ के नीचे भी तो देखा करो। अरे ग्रैनी हमने थोड़ी सी काली काली टांगे जो दो 10 साल का मैल थुपा हुआ दिखा रही है, 10 साल का मैल एक ग्रैनी ग्रैंडपा के ऊपर, ग्रैनी के ऊपर नहीं, ग्रैनी तो साफ है, मैं ऐसी पहनी उसको देखे नहीं गया। 10 साल ग्रैंड मैल वाला से कितना लंगा एंगल से दिखता है, यहाँ से देखो कितनी दूर तक, तो छोटा सा यहाँ से देखो कितना पास तक का दिखता है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। चलते हैं नीचे की तरफ को और क्रोवा लेके आते हैं। हाँ बंद कर दें भाई, इसको बंद कर दें, अंगनी वाले को कूदू तो मरूँ मैं, मेन थिंक। चलो ग्रैनी क्यों आ गई तू, तेरे को किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, तो क्यों आई? मैंने मुझसे आई, ग्रैंडपा आ गया। मार डाला ग्रैंडपा ने मेरे को, मार डाला हो। सच में ही मार दी भाई, किस्मत ही ख़राब है, शांति से जीने नहीं देते जिंदगी। शांति से जी लूँगा जिंदगी तो पता नहीं का क्या खिंच जाएगा। कोई नहीं, करो बार ऊपर ही पड़ा, नीचे वाला डब्बा खोल देंगे, नीचे वाला डब्बे से देखते क्या निकलते हैं। प्रोबेबली कुछ अच्छा ही निकल जाए, स्पार्क प्लग ऐसा कुछ तो मज़े ही आ जाए। देखते क्या निकलते हैं, क्रोबार ही पड़ा होगा, मैं मरा था यहीं, ग्रैंड पा के से बदला लूँगा जरूर इससे, बेटा बदला तो लूँगा तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें। आगे निकलता है, हाँ निकलेगा वेपन की, लेट्स गो। साउंड आया ग्रैनी, भक्ति भक्ति आएगी, पर से मेरे को बल्ला मार के जाएगी, पर ऐसे कैसे मार जाएगी। आ गई ग्रैनी, आ जा कोई नहीं, हम तो नीचे घुस जाएंगे, दरवाज़ा खुला हुआ नीचे घुसेंगे। बोट का स्टेडिंग बहुत बढ़िया भाई, मंगो बस पावर प्लग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पावर प्लग मिल गया, बात खत्म, पैसा जन, चलो भाई एस्केप। अभी नहीं हुआ, उनका होगा, इस पावर प्लग मिल गया तो। ग्रैनी ग्रैंडपा तुम दोनों कहाँ हो, यहाँ हो क्या? हाँ इसको छोटू नार को मार देता हूँ, छोटू नार आ जाओ, तुम्हारी मैं बड़ी चढ़ा दूँगा, मैं मर जा। ग्रैनी ग्रैंडपा आ गई ग्रैनी आ गई, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। ग्रेनेड है ना, ग्रेनेड मार दी, मर गया भाई मैं तो। ग्रैंडपा भी थोड़ी देर में टपक जाएगा, ग्रैनी ही टपकेगी, तब तक मैं मरूँगा नहीं, फेंक देता हूँ। मरे भाई तो बहुत दूर चला गया, रुक रही ना, कहाँ जाके फटा है, कहाँ है ये अजीब भाई, अजीब ग्रेनेड है क्या, रहा हूँ फटर मार रहा है, क्या करूँ, मैं तो फंस गया, क्या करूँ, मर जाऊँ क्या, मरने में भलाई है, क्योंकि अगर मरूँगा नहीं तो दोनों ऐसे ही खड़े रहेंगे भूत को की तरह, सही कह रहा हूँ।
अगर अगर मैं जाऊंगा तब नहीं मरूंगा, अगर मैं खड़ा रहूंगा तब टाइम पास हो रहा है जैसे अभी हो रहा है, तो सोच रहा हूँ मर ही जाऊँ इससे, तो मर ही जाऊँ। अच्छा मार दे ग्रैनी। मेरे जो पड़ोसी ग्रैनी कहता मेरे पड़ोसी कब से बनी पर चलते हैं। आजा मार दे मार दे, आजा कुछ है झील ले अपनी जिंदगी। डे फोर फालतू में ही होगा वैसे मेरा, कोई नहीं इस बार ट्राई करेंगे कि हम एस्केप मार ले पूरा अच्छे तरीके से इसी बार ही में। फालतूगिरी नहीं करनी, और फालतूगिरी करेंगे तो मनेंगे, तो फालतूगिरी नहीं करते हुए सीधा चलते हैं बाहर की साइड। नीचे दे कर रहा था यहाँ तो नहीं गया इसका निवेश, सीधा चलते हैं यहाँ क्या मिलेगा। ही तो मरा था मैं, शॉटगन उठाते हैं से रिवेंज देंगे भाई। उन्होंने मारा कैसे मेरे को, यहाँ क्या है कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाथरूम में चलते छोटे उठाएंगे डायरेक्ट। बुड्ढा तेरे को तो सला पता इसी बहरे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा अरे पता इसी बहरे, रिवेंज लेंगे अब तुमसे लेंगे इनसे रिवेंज, इनका बच्चा ही मरेगा और ये दोनों भी मरेंगे। वो तो गाइस सीक्रेट चीज है भाई, मतलब ऐसा मुड़ वुड़ नहीं है। शॉटगन से ही मारूंगा तीनों को, तीनों को मारूंगा छोटी शॉटगन से। हाँ उठाते हैं वो जो दिखा पिला चलो, जो जो आओ जो मर्जी आओ, तो पिताजी भी देखे आ जाओ उनको ही मारूंगा, देखे आ जाओ भाई जो मर्जी जिसमें दम है आ जाओ सामने। मरा वो मरा उसकी खेल खत्म। आ जा ग्रैनी तेरा ही मैं इंतजार करूँगी, क्या बात है तो चक्कर करूँ ग्रैनी के सर पर मारूँ। कोई नहीं है इसके बच्चे टपका देते हैं, अरे बच्चे के दर्द धीरे से डर गया वो बच्चा, उसको पता है मैं शॉट गन लेके आ गया खुद बोल दिया। आ निकल ग्रैनी आ गई भागो संभाल, सामने को मिलते हैं और ना ग्रैंडपा अभी आ जाएगा पीछे से तो दिक्कत देगा, हम लोग देखते हैं ऊपर से एमओ भी उठा देंगे मार भी देंगे उसको, कोई नहीं है ना चाहिए ऊपर से एमओ उठा दे जब तक ग्रैनी आ रही है। अभी उठ जा फिर भाई निकलो, दूसरी उठाते हैं और आईसीयू भी आ गया, आज आईसीयू तरफ आईसीयू निकल। दोनों को इतनी ऊपर से मारा नीचे आ गिरे पार्ट ए फ्लोर नीचे आ गए गिरे दोनों। हाँ चल वे तो सोता ही नहीं, हाँ कहता क्रो बांधता हूँ तो मैंने उठा लिया, किसी को जरूरत नहीं है चलते हैं बाहर की साइड को, सबसे टकार आ रही थी मेरे बाहर की साइड पे चलते हैं और सीधा स्पार्क प्लग ढूंढते हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग जहाँ तक उनको लगते ही वहाँ तक कुछ भी नहीं है, हमें तीन चार बार आ चुके हैं और कुछ है ही नहीं है। कोई नहीं स्पार्क प्लग ढूंढते जहाँ मर्जी मिल जाए मिल जाए, यहाँ क्या है कुछ भी नहीं है गरीब हो उसे रख लिया करो, स्पार्क प्लग ढूंढ के मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली मेरे को स्पार्क प्लग मिल गया सेफ के से 10 सालों बाद। स्पार्क प्लग वो स्पार्क की मेरे को बहुत आसानी से मिल गई थी, ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मिल भी गई। एनीवेज चलते हैं नीचे साइड और बोर्ड पे लगाते हैं स्पार्क प्लग, ये लगाया स्पार्क प्लग ऊपर से अपना नाते हैं गैसोलीन कैन। गैसोलीन कैन भी मेरे को पता है बाथरूम में पड़ा है, कोई दिक्कत की बात ना आए अब तो सीधा स्किप मारेंगे। एनीवेज चलते हैं सीधे बाथरूम में, हाँ फिर वो नाते गंदे से टॉयलेट, टॉयलेट में बाथरूम दे रखा है उन्होंने, टॉयलेट में बाथरूम होता है। एनीवेज लेते हैं इसको और चलते हैं सीधा नीचे की साइड, पियानो बजाते बजाते जाऊँगा बजा ही नहीं शायद, पता नहीं बंद कर दो नहीं बंद भी नहीं हुआ वो शायद, कोई नहीं नीचे को चलते हैं गैसोलीन कैन लेके बोट में फेंक देंगे। नीचे चलते हैं गैसोलीन कैन से सीधा भरेंगे हम क्या इसकी टंकी, लेट गो डाल लाल झंडी हरी झंडी आ गई, ओ सॉरी पीली झंडी और हरी झंडी आ गई हरी झंडी, उसको फेंक देता हूँ हट बोट मत चलो भाई बोट में ही गिर गया, बाकी पेट्रोल में काम आएगा, बाकी जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उसके काम आएगा। हम ऊपर चलते हैं अब तो गन की भी ज़रूरत नहीं है, फेंको गन को यहाँ क्या है कुछ भी नहीं है, तो डोर का लॉक है सो क्या करूँ इसे कहीं जिन्होंने डोर का लॉक का वो बताना काम कैसे करता है डोर लॉक, मैं कभी इन्हें चेक ही नहीं किया। ग्रेनेड है ये तो ग्रेनेड है, इसको भी उठा रहा हूँ। बोट का स्टीयरिंग व्हील लेते हैं यहाँ से, बोट स्टीयरिंग व्हील भैया जी आ जाओ आप, थैंक यू
कोई नहीं आ रहा अभी तो भाई, शांति से एस्केप करूंगा, दोनों को बिछा रखा है। हाँ अभी का तो क्या ही कर लेंगे, मेरा दो लाइफ, एक लाइफ अभी पड़ी हुई है मेरी, आराम से जीत जाऊंगा। दिक्कत का की एट को नहीं चलते हैं, फिर नीचे को स्टेरिंग व्हील लगाया, एट लग गया स्टेरिंग व्हील, बस अब बोर्ड की की चाहिए और कुछ नहीं, बोर्ड की की मिल जाए काम बन जाए। अब तो मार भी दो मेरे को, मैं आराम से एस्केप हो जाऊंगा, तो तुम मारो चाहे जो मर्जी करो, मुझे कोई परवाह नहीं। बाय बाय ग्रेनी, मिलेंगी आपसी, डू रेस्कीप मी, बाय। कोई भी नहीं है भाई, दोनों अभी तक पीछे पड़े, पता नहीं कहाँ। कोई नहीं, हम नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद सीधा बोट एस्केप और भग जाते हैं यहाँ से, ग्रैनी के मुंह के सामने से। लेट गो, ये बैठे बोट में और करा इंजन स्टार्ट, लेट्स गो। भाई भाई ग्रैनी, मिलेंगे अगली बार तुमसे। भाई भक्ति भी गई मेरी बोट, भाई क्या देख रहे हो, कीड़ा भी देख रहे हो कहाँ से भग गया। भाई भाई भुट्टे भोड़ा मारा भुट्टे, चल निकल फुट, और साथ डी हैंड होता हुआ, और हमने एक और फाइनली बोट एस्केप भी कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जाके लाइक करना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ऐसे ढांचू कंट्रोल में लाता रहूँगा, वैसे ढांचू नहीं है। एनीवेज बड़ी अच्छी लगी वीडियो जाके कमेंट में जाके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को न्यू सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे आपसे ऐसे अगले कंटेंट में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।